हेलो गाइस, मेरा नाम है शिवानी चौधरी और आज इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। उसका नाम है हेयरफॉल। हेयरफॉल के रीजंस क्या हैं, जो कि हम पिछले चैप्टर में कवर कर चुके हैं। अब हम जानते हैं हेयरफॉल के टाइप क्या क्या होते हैं। हेयरफॉल के टाइप होते हैं बाल का बीच में से टूटना। जब भी हम बालों को कॉम करते हैं और कॉम करने की वजह से बाल बीच में से टूट रहा है, टूटने के कारण क्या क्या हो सकते हैं, हम वो पिछले चैप्टर में रिवाइज कर चुके हैं। किसी हीट की वजह से, मेहंदी की वजह से, या बाल बहुत ज़्यादा ड्राई होने की वजह से, शैम्पू की वजह से, किसी भी वजह से अगर आपके बाल बीच में से वीक हो गए हैं, तो जब भी आप कॉम करेंगे, कॉम करते करते आपका बाल बीच में से टूटेगा, जिसे हम हेयर वीकेंड कह सकते हैं। दूसरा टाइप जो हेयर फॉल का है वो है बालों का जड़ से निकलना, जिसे एक्चुअल में हम हेयर फॉल में काउंट करते हैं या जिसे हम हेयर फॉल बोलते हैं। जड़ से बाल निकलना और जिसे हम हेयर फॉल बोलते हैं, इसे हम कैसे जान सकते हैं। जब भी हम बालों को वॉश करते हैं, अगर बालों को वॉश करते वक्त हमारा बाल गिर रहा है और हम पानी में देख सकते हैं कि हमारा 100 से ज़्यादा बाल निकल गया है, तो उसे हम हेयर फॉल बोलते हैं। तीसरा टाइप है हेयर फॉलिकल। हेयर फॉलिकल में कुछ स्टेजेस होती हैं, आइए जानते हैं वो स्टेजेस क्या होती हैं। इसमें पहली स्टेज होती है ग्रोइंग फेज, एनाजन फेज जिसे हम बोलते हैं, इसमें बालों की प्रोडक्शन होती है। दूसरा फेज होता है इसमें, जिसे हम बोलते हैं रेस्टिंग फेज, कैटोजन फेज। कैटोजन फेज में प्रोडक्शन रुक जाती है, बालों का बनना, जो उसकी प्रोडक्शन है वो रुक जाती है। मतलब बाल पहले बने, फिर एक टाइम आया, एक पीरियड आया, उसका एक सर्कल होता है, टाइम लिमिट्स होती हैं, वहाँ पे जाके बालों की प्रोडक्शन रुक जाती है। तीसरे फेज को बोलते हैं फॉलिंग फेज, टेलोजन फेज। यहाँ पे आपका बाल जो बना था, जिसकी प्रोडक्शन हुई, फिर वो काफ़ी लंबा हो गया, वहाँ पे आके यहाँ वाला फेज जो अंदर आपका टेलोजन फेज है, वहाँ पे आके उसकी प्रोडक्शन रुक गई और वो जड़ से निकल कर गिर गया। ये टेलोजन फेज होता है कि आपका बाल फॉलिकल से निकलकर गिर गया। इसके बाद फिर दोबारा नियोजन फेज आता है, जहाँ पे उसी फॉलिकल में से दोबारा बाल बनना शुरू हो जाता है। दोबारा बाल बन के फिर वहीं से नया बाल आपका उगना शुरू हो जाता है। अब इस केस में, जिसे हम हेयर थिनिंग भी बोलते हैं, हेयर थिनिंग में क्या होता है, कभी कभी हमारा बाल उस फॉलिकल से 2 से 3 महीने में बनकर वापस आ जाता है और नया बाल हमें उस जगह पर मिल जाता है। बट ये फेज अगर आपका बढ़ जाए, 1 साल 2 साल 3 साल, कई बार देखने में आता है, कहीं कहीं ये 10 साल तक भी बढ़ जाता है, और 10 साल तक अगर उस फॉलिकल से बाल ही नहीं निकला, तो वहाँ पर देखने में आता है कि आपकी मांग बहुत ब्रॉड हो गई है, यहाँ फ्रंट में आपका गंजापन आ गया है, मोस्टली आपका जो क्राउन लाइन है यहाँ पर, ये बहुत ब्रॉड हो गया है। अगर आपके बालों में कोई भी क्राउन एरिया में समस्या है, वो ब्रॉड होती चली जा रही है, आपकी मांग बहुत चौड़ी हो गई है और बहुत ज़्यादा दिखाई देने लगी है, तो आप जान लीजिए ये हेयर फॉल नहीं है। ये हेयर फॉल का जो नेक्स्ट चैप्टर है, हेयर थिनिंग, यहाँ पे आपके बालों में हेयर थिनिंग है। मतलब आपका फॉलिकल जो है, वहाँ से बालों का प्रोडक्शन होना ही बंद हो चुका है। तो इस हेयर थिनिंग के चैप्टर में एज सून एज पॉसिबल आपको इसका इलाज कराना चाहिए, जो कि उपलब्ध है। अब हमें ये तो पता चल गया कि हेयर फॉल का रीज़न क्या है, बहुत सारे रीजंस मैंने आपको बताए थे, उसमें डैंड्रफ भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रीज़न है, बालों का लंबा होना, कॉम होना, हार्मोन्स, प्रेगनेंसी, स्ट्रेस लेवल, डाइट। अब हमने जाना कि हमारा बालों में 3 तरह की टाइप्स हैं बालों के गिरने की। बाल हमारा बीच में से टूट सकता है, अगर हमारा बाल बीच में से टूट रहा है कॉम करते वक्त, ठीक है, हमने कॉम भी चेंज कर लिया, फिर भी वो टूट रहा है, क्योंकि वहाँ पे कैराटीन चेन हमारी कमज़ोर हो चुकी है। तो इस प्रोसेस में अगर आपका बाल किसी भी वजह से बीच में से टूट रहा है, वो जड़ से नहीं टूट रहा गाइस, तो आपका ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस 45 to 60 मिनट की सर्विस है ये, और आपका बाल 80 to 90%
टूटना बंद हो जाएगा। जैसे ही आप ये सर्विस लेंगे आपकी ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। उसके बाद सिर्फ एक होम केयर है ताकि आपका रिजल्ट मेंटेन रहे, जो आपने वो सर्विस ली है उसका रिजल्ट मेंटेन रहे, और जो 10-20% बचा है आपका हेयर वीकेंड, वो होम केयर से धीरे धीरे ठीक हो सके। तो ये प्रॉब्लम आपके सिर्फ 60 मिनट की सर्विस में आपकी ये प्रॉब्लम ख़त्म हो रही है। इसके लिए आप सलून विजिट कर सकते हैं। अगर आपका हेयर फॉल है, जड़ से आपका बाल निकल रहा है बाल धोते वक्त, तो ये प्रॉब्लम पहले दिन, मतलब जो आपका पहले दिन सिटिंग होगा, पहले दिन की सिटिंग है 60 मिनट्स की, 60 मिनट में ये 70-80% हेयर फॉल आपका कम हो जाएगा पहले दिन ही। इसके बाद इसका होम केयर होता है। होम केयर में आपको 30 डेज का कोर्स दिया जाता है जो कि आपको घर पे ही करना होता है। आपका हेयर फॉल ख़त्म, अगर 80% या 70% पहले दिन ही मुझे रिजल्ट मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं हेयर फॉल बहुत हद तक आपका कंट्रोल में आ चुका है। बस एक होम केयर है, होम केयर आपको यूज़ करना है 30 डेज और आप इस प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। अगर है हेयर थिनिंग, यहाँ पे किसी भी फेस में अगर आपका बाल हेयर थिनिंग के लेवल पे आ चुका है, जो कि हम जज कर सकते हैं क्लाइंट्स को देखने के बाद ही कि उसको 1 साल हो गया हेयर थिनिंग को, या 2 साल हो गया, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, उसका रूटीन क्या है, वहाँ पे उनके बालों की स्टेजेस के हिसाब से हम उन्हें ट्रीटमेंट देते हैं जो कि सलून्स में अवेलेबल हैं। आप चाहें तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि वो क्या सॉल्यूशंस हैं जिससे हम हेयर थिनिंग पे काम कर सकते हैं। तो गाइस, ये हेयर थिनिंग का जो कोर्स है ये होता है 90 डेज का। 90 डेज में आपका हेयर का जो फॉलिकल है, जहां से आपकी प्रोडक्शंस रुक चुकी है, 90 डेज में आपके हेयर फॉलिकल, आपके 1700 नए बाल रिप्रोड्यूस हो सकते हैं। ये 90 डेज का कोर्स है जो कि घर पे ही करना होता है, और कुछ इसके सेटिंग्स हैं जो सलून पे होती हैं। आप चाहें तो मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में कि वो क्या चीज़ है। बट अगर हेयर थिनिंग है तो गाइस, इसका समस्या का समाधान सलून्स में अवेलेबल है। आप इसे बढ़ाएं नहीं, एज सून एज पॉसिबल इस प्रॉब्लम को ख़त्म करें, क्योंकि आपका बाल आपकी खूबसूरती है। आप जाने, अगर आप खूबसूरत दिख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है, और अगर धीरे धीरे बाल वहाँ से निकल रहा है तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं मन में हीन भावना आने लगती है अपने बालों के प्रति, क्योंकि एक सॉल्यूशन देने वाला कोई नहीं होता, तो ये प्रॉब्लम्स और बढ़ती जाती हैं। अब मैंने आपको बता दिया कि अगर बीच में से टूट रहा है तो आपकी सिर्फ 60 मिनट में प्रॉब्लम सॉल्व। अगर आपका जड़ से बाल निकल रहा है तो 60-70-80% तक पहले दिन में रिकवर हो जाएगा। 1 महीने का कोर्स है, उसके बाद में अगर हेयर फॉलिकल, अगर आपको हेयर थिनिंग है तो ये 90 डेज का कोर्स है। ये सारे सॉल्यूशन सलून्स में अवेलेबल हैं। हेयर फॉल एक कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, इसका समाधान बहुत इजी है। बस आपको नीड है एक अच्छी कंसल्टेशन की, ये जानने की कि आपके बालों में बेसिकली प्रॉब्लम क्या है और उसका सॉल्यूशन क्या है। देखिए, जैसे ही आप वो सॉल्यूशन को ग्रैब करेंगे और आप उसको अपने रूटीन में यूज़ करना शुरू करेंगे, तो आपका हेयर फॉल ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, क्योंकि आप एक सही दिशा में काम कर रहे होंगे। लेकिन आपको हेयर फॉल है और आपने सोचा कि मैं ये जड़ी बूटी भी ट्राई कर लूँ और ये नुस्खा और वो नुस्खा, तो गलत नुस्खों या गलत एडवाइस से आपका हेयर फॉल और बढ़ सकता है। तो आप इसे बढ़ाइए मत, आप सलून विजिट कीजिए, या आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, और ये जान सकते हैं कि आपका बाल क्यों गिर रहा है, या क्या रीज़न हो सकता है, या किस तरीके से आप अपने बाल को बचा सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।